तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहे हैं और पौड़ी जिले के सतपुली में मौजूद खैरासैंण गांव में त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। खैरासैंण के नवोदय विद्यालय में गढ़वाल नागरिक मंच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का अभिनंदन करेगा। और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के भाई अभी भी खैरासैंण गांव में ही रहते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार खैरासैंण गांव आने की खुशी गांव के लोगों में भी देखने को मिल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी शुरुआती शिक्षा खैरासैंण गांव के स्कूल से ही की थी और इसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए खैरासैंण से चले गए थे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री ने आज यहाँ यानी अपने खैरासैंण गांव में आना है और उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं उनके स्वागत के लिए खास तौर से विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं। और आइए आपको सीएम त्रिवेंद्र रावत का कार्यक्रम बताते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत दोपहर 12:30 बजे पौड़ी पहुंचकर अपने गांव सतपुली जाएंगे और जहां वो ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 1:15 बजे के आसपास वो जनसभा करेंगे, साथ ही गढ़वाल नागरिक मंच खैरा गांव में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में उनका अभिनंदन किया जाएगा। दोपहर 2:40 पर जनता से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। इसके बाद 5:00 बजे स्वामी दयानंद आश्रम मुनिकीरेती ऋषिकेश में होंगे। तो सीएम के पैतृक गांव तक पहुंचने के लिए अभी भी पक्की सड़क नहीं है। जिला मुख्यालय से खैरासैंण तक करीब 3 किलोमीटर तक कच्ची सड़क है। इंडिया 24/7 की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। इंडिया 24/7 की टीम पहुंची है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पैतृक गांव खैरासैंण में। आज सीएम अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए गांव में बड़ी तैयारियां चल रही हैं। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं कि कब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके बीच पहुंचेंगे और कब वो उनसे मुलाकात करेंगे। इस वक्त हम उनके गांव में उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे ही हम जानते हैं कि किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं अपने छोटे भाई के स्वागत के लिए। घर आ रहे हो आज? सबसे पहले मीडिया बंधु को धन्यवाद। फिर तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारी के साथ साथ हमारे क्षेत्रीय जनता भी जुट रही है। एक नजारा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक स्कूल है, हालांकि अभी ये भवन जीर्ण हो चुका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जो बचपन की पढ़ाई थी यानी जहाँ से उन्होंने सब कुछ सीखा वो प्राइमरी लेवल की पढ़ाई इस स्कूल में की थी और अब ये जीर्ण हो चुकी है। इसके एक मांग की जा रही है गाँव के जो लोग हैं उनके द्वारा कि कम से कम इसे एक एक सुधारा जाए, व्यवस्था भी बनाई जाए। और क्या चाहते हैं आपकी, क्या इसमें होना चाहिए? अब इसमें बरात घर बन जाए, कोई सामुदायिक भवन बन जाए या क्या कहते हैं कोई टूरिस्ट उसमें विकसित किया जाए इसको। आप बताइए क्या देखते हैं आप गांव में, किस किस्म की अभी दिक्कतें चुनौतियां हैं और क्या और होना चाहिए, समाधान क्या लगता है आपको? यहाँ पर जो है मेन है कि पहाड़ों में पलायन बहुत हो रहा है, उद्योग ने बिल्कुल नहीं है। उद्योग ने अगर कुछ खुल जाए तो कुछ यहाँ के पलायन रुके, पलायन अगर रुकेगा तो यहाँ का विकास अपने आप हो जाएगा। कोई दोराई नहीं कि भले ही पौड़ी जिले को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व तो हर जगह अभी मिला हो, चाहे वो देश की रक्षा का क्षेत्र हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी पौड़ी से पलायन है वो रुकेगा। और फल उद्यान पे जहाँ फल उद्यान की पट्टी हो फल उद्यान बने, पशुपालन हो पशुपालन हो, भेड़ पालन हो भेड़ पालन, जिसलिए यहाँ का विकास रुके। यहाँ चकबंदी सबसे पहले, जिसमें खैरासैंण चकबंदी में शासन को जा रखा है, पंद्रह मई से स्वैच्छिक चकबंदी से ही यहाँ का जो प्लान है वो रुक सकता है। खेती एक बड़ी समस्या है चूंकि मानसून पर निर्भर करती है और बड़ी दिक्कतें उसकी वजह से रहती हैं। मानसून अगर ना बरसा तो फिर खेती सूखती है और आज की तारीख में अगर देखें तो खेत सूखते चले जा रहे हैं। एक युवा आप हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से? रोजगार सबसे मुख्य कारण, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार भी तभी मिलेगा जब यहाँ सुविधाएं हो। पानी की दिक्कतें यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत परियोजनाएं अटकी हुई हैं और इस समय लग रहा है कि जो केंद्र और राज्य का जो एक तालमेल था, जो एक डबल इंजन वाली बात थी, आज त्रिवेंद्र जी इस पे खड़े उतर रहे हैं। उम्मीद है, एक समस्याएं भी साथ में है लेकिन साथ में उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे पलायन रुक सके। कैमरा सहयोगी सोन परमार के साथ कुलदीप नेगी, इंडिया 24/7 खैरासैंण गांव।
तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के पैतृक गांव में सीएम के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम के घर वाले और ग्रामीण बेहद ही खुश हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव खैरासैंण पहुंच रहे हैं और इस समय हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं, जो उनका बहुत पुराना घर है। यहां पर उनकी भाभी जी यहां पर इस समय मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह की यादें खासतौर पर रावत जी की यहां पर जुड़ी हुई है, कितना पुराना ये घर है। ये पुराना घर तो मतलब कम से कम 75-80 साल हो गए इसको। किस तरह की यादें जुड़ी है आपकी खासतौर पर रावत? यही रहते थे छोटे में, मतलब पढ़ाई यहीं से की उन्होंने, उसके बाद वहाँ गए एकेश्वर में, फिर जयरीखाल में शायद उन्होंने पढ़ा, श्रीनगर में। अब मुझे तो इतनी याद है पढ़ाई के मामले में ना। घर के अंदर की अगर बात करें तो किस तरह की यादें हैं आपके साथ घर में भी देखना चाहेंगे कि कितना पुराना ये घर है। आप देख सकते हैं अंदर कि पारंपरिक घर है, पहाड़ का घर है, काफ़ी सामान्य परिवार से थे रावत जी। उनके माता पिताजी की फ़ोटो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके भाई की फ़ोटो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में कई यादें हैं इस घर की जो रावत जी से जुड़ी हुई है और आज वो यहाँ पर आ रहे हैं तो एक विशेष उत्साह है घर में, एक अलग तैयारियाँ है। किस तरह की खास तौर पर तैयारियाँ हैं उनकी भाभी जी से एक बार फिर पूछते हैं कि घर का माहौल कैसा है आज, वो कितनी खुशी आज वो घर पे पहुँच रहे हैं और किस तरह की तैयारियाँ आज घर में? हमें तो बहुत खुशी है और सबसे पहले तो मैं अपने उत्तराखंड की समस्त जनता को अपना हार्दिक अभिनंदन और प्यार जताती हूँ जिन्होंने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। घर में आज किस तरह की तैयारी है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, मतलब खुशी का माहौल है और घर में स्वागत की तैयारी है। मतलब हम लोग तो सब यहीं पे घर में रहे, सोच रहे थे वहाँ जाएंगे लेकिन वहाँ तक तो कैसे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा खुशी का माहौल है घर में, एक अलग उत्साह है घर में उनके आने से और विशेष तैयारियाँ उनके आने की यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ कपिल पंवार, इंडिया 24/7, खैरासैंण गांव, पौड़ी गढ़वाल। तो त्रिवेंद्र रावत के स्वागत के लिए घर वाले तरह तरह के पकवान बनाने में लगे हैं। त्रिवेंद्र रावत के पैतृक गांव से कपिल पंवार की रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बेहद सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं और उनके घर में हम इस समय जहां पर तैयारियां चल रही हैं उनके आने से, और आप देख सकते हैं उनके किचन में एक सामान्य सा किचन है जहां पर रोटियां बन रही है, साथ ही अन्य जो परिवार की महिलाएं हैं वो अन्य पकवानों को भी यहां पर बना रही हैं। ये भाभी जी हैं उनकी जो अभी यहाँ पर रोटी बेल रहे हैं उनके लिए और उनके आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस तरह की खास यादें हैं उनके साथ आपकी इस घर में जब भी वो घर आते हैं? उनके परिवार के और लोग भी हैं, उनकी बहू है यहाँ पर, कितना उत्साह है आज घर में? बहुत उत्साह है, हम सब खुश हैं। और किस तरह की तैयारियाँ हो रही है घर में? बहुत अच्छी तैयारियाँ हो रही है। कितना उत्साह है आज घर में, किस तरह की खास तैयारियाँ उनके आने से पहले यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या पसंद है उन्हें खास? तो बहुत ज़्यादा खाना बन रहा है नीचे और हम उनके लिए बहुत वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे, और बहुत सारा खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे घर में आ रहे हैं, उनके लिए जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं हम उन्हें बना रहे हैं। तो घर में पूरी तरह से तैयारियां हो रही है, कुछ देर बाद वो जब यहां पर पहुंचेंगे तो एक अलग उत्साह रहेगा यहां पर घर पे उनके, साथ ही एक अलग तरीके से स्वागत की पूरी तैयारियां हैं गांव में और गांव में पूरा खुशी का माहौल है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ कपिल पंवार, इंडिया 24/7। तो ग्रामीण पूरी तरह से स्वागत के लिए तैयार हैं। चलिए खैरासैंण का ही रुख करते हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप नेगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, हम तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरह से गांववासी उनके स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र रावत आज अपने गांव आ रहे हैं और उनके गांव आने के साथ साथ उम्मीदें भी बहुत जा गई हैं, क्योंकि जिस तरह से इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहां पक्की सड़कें नहीं है, पलायन एक समस्या है, बिजली पानी तमाम जो मुद्दे हैं, तो कहा जाए क्योंकि आज जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई सौगात भी देकर जा सकते हैं मुख्यमंत्री अपने गांव वासियों के लिए, ताकि शायद गांव की तस्वीर कुछ बदल सके। हाँ,
देखिए बिल्कुल, जो उनके परिजन हैं, गांव वाले हैं, वो सब इंतजार में हैं कि कब सीएम त्रिवेंद्र रावत उनके बीच आएंगे, और बड़ी एक उम्मीद उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के जगी है कि कुछ ना कुछ अब खासतौर से प्रदेश के लिए, तो पहली प्राथमिकता जो रहेगी प्रदेश के लिए रहेगी और उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ ना कुछ वो करेंगे। एक बड़ी समस्या हमने जो ग्रामीणों से बात की उनसे सुनी, पलायन की एक बड़ी समस्या है खासतौर से पौड़ी जिले में, और उनका यह कहना है कि रोजगार के साधन यहाँ पर मुहैया करवाए जाने चाहिए और पर्यटन किस तरीके से विकसित हो सके, कोई एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन के जो नए नए आयाम हैं उन्हें खोलना चाहिए और हॉर्टिकल्चर को यहाँ बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो पलायन हो रहा है रोजगार की तलाश में वो रुक सके। तो बड़ी एक उम्मीद ग्रामीणों को है कि एक रोजगार के जो संसाधन है, अब चूंकि मुख्यमंत्री वो बने हैं तो कोई ना कोई एक योजना, एक प्लानिंग वो लाएंगे जिससे कि आसपास का क्षेत्र है, न सिर्फ उनका गांव बल्कि आसपास का जो सतपुली का क्षेत्र है वहां पर रोजगार के संसाधन विकसित हो और युवा पलायन न करें। जी कुलदीप, कुछ तस्वीरों के जरिए भी दिखाइए, क्योंकि पूरा कार्यक्रम हम जिस तरह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों से भी मुलाकात करेंगे, तो वहां पर किस तरह की अभी आप तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि बस अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाएंगे। देखिए बिल्कुल, मैं अपने कैमरा सहयोगी सोहन परमार से कहूंगा कि वो अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरह की तैयारियां हैं। दो कार्यक्रम है, मैं आपको बताऊं कि पहला जो कार्यक्रम है वो उनके सम्मान समारोह का, अभिनंदन समारोह का है, जो तकरीबन गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो नवोदय विद्यालय वहां पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंच बनाया गया है और मंच में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर, इसके अलावा बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तस्वीर तो है ही, साथ ही में इस क्षेत्र के जो विधायक हैं सतपाल महाराज, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, उनकी तस्वीर है। दूसरा एक और नजारा मैं दिखाना चाहूंगा सोन, अगर आप दिखा सकते हैं तो पीछे की कोशिश कीजिए कि अभी हालांकि धीरे धीरे करके जो ग्रामीण है वो यहां पहुंचना शुरू हो रहे हैं, कुछ लोग यहां पहुंचे हैं और वो इकट्ठा हुए हैं मुख्यमंत्री के अभिनंदन के लिए, वो अपनी बातें भी मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री उनसे अगर किसी समस्या को लेकर उनकी कोई राय शुमारी पूछेंगे तो वो भी अपने सामने रखेंगे। आप लोग भी यहां पर आए हैं और कई समस्याएं उनकी होगी, कोशिश हम उन्हीं से करते हैं बात करने की कि क्या समस्याएं उनकी हैं। आप यहां पर आई हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, कोई समस्याएं हैं जो आप बात हैं जो उनके सामने रखेंगे आप? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी यहां पे आ रहे हैं, हम उनको समस्या ये है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे में उपाध्यक्ष भी हूं और सबसे बड़े यहां पे पलायन की समस्या है, यहां पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां पे बच्चे बहुत बेरोजगार हैं, यहां पे कृषि बंजर पड़ी हुई है, पानी की समस्या, शराबबंदी की जो बात पूरे प्रदेश में उठ रही है उसको लेकर भी आप बात करेंगे उनसे कि शराबबंदी होनी चाहिए प्रदेश में? शराबबंदी तो होनी चाहिए, महिलाएं के कई घर बर्बाद हो गए हैं शराब, लेकिन कुलदीप तो देख सकते हैं हम आधी आबादी अभी से यहाँ जुटनी शुरू हो गई है और हर किसी की अपनी समस्या है, अपनी बातें हैं, और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद उनका स्वागत और साथ ही वो एक जनसभा को यहाँ पे संबोधित करेंगे और उसी की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनता जुटनी शुरू हो गई है। शुक्रिया आपका कुलदीप, पूरी जानकारी के लिए आगे भी आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेंगे।